आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पे कहीं ना कहीं कुछ चल, तो क्या कहेंगे, किस नजर से? देखिए, एक बात ये सुनने में आई है, कई जगहों पर अभी लखनऊ में एक मामला हुआ जिसमें एक गाड़ी में से हथौड़ी और सील और प्लास मिला, तो इन सब चीज़ों से बहुत से लोगों के दिल में वहम भी आते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने पत्र में भी यही बात कही कि निगरानी रखें, किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, प्रत्याशी भी ईवीएम की रखवाली करें, अगर लोगों ने वोट दिया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस वोट की हिफाजत करें, और मतगणना के दिन भी बिल्कुल आंखें खुली रखें, क्योंकि जो अधिकारियों का रुख पूरे चुनाव रहा है, ये चुनाव से पहले शायद ये बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि अगर इसे उपलब्धि कहें कि शायद पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस ने इतना निष्पक्ष चुनाव ना अंजाम दिया होता तो जिस तरीके की मशीनरी यूपी में काम कर रही थी वो इतना शांतिपूर्ण चुनाव नहीं होने देते। आप रामपुर में भी इसको देख सकते हैं, तो उन लोगों की वजह से शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, और उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले कल 3 दिन बाद जब मतगणना होगी और आज का चरण जो चल रहा है उसमें भी सब निष्पक्ष होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।